नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप किस को कैसे अपने वश में कर सकते हैं, किसी को कैसे अपना बना सकते हैं, अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं। आज फिर एक ऐसा ही आसान सा मंत्र, एक ऐसा ही आसान सा वशीकरण का टोटका जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इस वशीकरण विधि को बताए गए तरीके से संपन्न करते हैं तो निश्चित रहिए आपका मनचाहा कार्य पूर्ण होगा और वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं आपके वश में हो जाएगा। तो आइए बताती हूँ कि वो विधि क्या है, पर उससे पहले उस सामग्री के बारे में आपको बताते हूँ जिससे हम इस वशीकरण में आवश्यकता होगी, और वो सामग्री मात्र एक कागज है। जी हाँ, मात्र एक कागज की मदद से किस तरह किसी को वश में कर सकते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। हमें चाहिए एक कागज और एक मार्कर। इस कागज और इस मार्कर की मदद से आप किस तरह किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, और देखिए किस प्रकार एक सिद्ध मंत्र के उच्चारण से वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको एक प्लेन पेपर लेना है और ये कागज सफेद होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब इस कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। उसके बाद कागज को फोल्ड करना है। दर्शकों, कागज छोटा ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा कागज लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह इस कागज को फोल्ड कर लेंगे, इसे अपने हाथ में रखेंगे और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का उच्चारण करें। जब उस मंत्र को 21 बार उच्चारण करेंगे तो जो व्यक्ति है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं वो पूर्णतः आपके वश में हो जाएगा, पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपका ही होकर रहेगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो मंत्र क्या है, वो सिद्ध मंत्र क्या है जिसके प्रयोग मात्र से एक व्यक्ति, एक इंसान आपके वश में हो सकता है। वो मंत्र है ओम सम सम मोहनाय हीम हीम ओम फट। जी हाँ, उस व्यक्ति का ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। इस तरह इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है। उसके बाद ये जो कागज है इसको 3 घंटे के लिए, मात्र 3 घंटे के लिए सुरक्षित स्थान पर रखना है, मतलब कि साफ स्थान पर जहाँ किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु या सामग्री ना हो। जैसे आप इसे मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर से पवित्र और कोई स्थान नहीं होता, तो इसे आप मंदिर में रख सकते हैं। 3 घंटे के बाद इस कागज को निकाल कर इसे जला देना है। इसे जलाने पर इसकी जो राख बनेगी उसे इकट्ठा कर लेना है। अब इस राख को आपको बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना है। जैसे जैसे आपके कागज की राख बहते हुए पानी में प्रवाह होती जाएगी वो इंसान आपकी ओर खींचा चलाएगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि विधि उसी अनुसार करनी है जिस तरह मैंने आपको बताई है। जो सही तरीका है उसी तरह से इस वशीकरण को कीजिएगा, सही तरीके से मंत्र उच्चारण कीजिएगा और उस व्यक्ति को अपना बनाइए। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई समस्या है, आप किसी चीज से परेशान हैं, तो आप हमारे गुरुजी से फोन कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।